हेलो, इस वीडियो में हम स्क्रैच के मेन स्क्रीन के बारे में डिटेल में जानेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आप क्रिएट प्रेस करेंगे तो आप स्क्रैच का मेन स्क्रीन देखेंगे। इसमें ब्लॉक पैलेट लेफ्ट साइड में होता है, स्क्रिप्ट एरिया बीच में होता है, स्टेज एरिया राइट में होता है और मेन्यू या टूल बार एरिया ऊपर होता है। एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पर इस मेन्यू या टूलबार में यह सब सिलेक्शंस होती हैं। सबसे दाईं ओर आप एक ड्रॉपडाउन देखेंगे जिसमें आपका लॉगिन नेम होगा। इसमें ऑप्शंस हैं आपकी प्रोफाइल चेंज करने के लिए या अकाउंट सेटिंग चेंज करने के लिए और साइन आउट करने के लिए। उसके बाजू में है माय स्टफ। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट देखने हो तो आप माय स्टफ को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को व्यू, ओपन और सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने स्क्रैच मैसेजेस भी देख सकते हैं, उदाहरण के लिए आपका वेलकम मैसेज। इसके लेफ्ट में आप फाइल देखेंगे। इसमें न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑप्शन है, प्रोजेक्ट सेव करने के लिए और पहले के प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए भी ऑप्शन है। उसके बाजू में है एडिट। इसमें अनडिलीट करने का ऑप्शन है और टर्बो मोड सेटअप करने का भी, जो ब्लॉक्स को फास्ट मूव करवाता है। फिर ट्यूटोरियल ऑप्शन है जहां से आप स्क्रैच के ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाजू में एक बॉक्स है प्रोजेक्ट के नाम के लिए। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम यहां चेंज कर सकते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाए फिर आप अन्य स्क्रैचर्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अब हम स्टेज एरिया देखते हैं। स्टेज वो एरिया है जहां सब एक्शन होता है। आप जो भी कोड लिखते हैं उससे स्टेज पर कुछ एक्शन होता है। स्टेज पर आप एक स्प्राइट को देखेंगे जो एक ग्राफिकल इमेज है और जो स्टेज पर घूम सकती है। डिफॉल्ट में यह एक ऑरेंज कैट होती है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। इस स्प्राइट को हम कोड से एनिमेट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप इसे माउस से पकड़कर आप स्टेज की कोई भी जगह पर ले जा सकते हैं। आप स्टेज पे और स्प्राइट्स को ऐड भी कर सकते हो। स्टेज के ऊपर आप एक ग्रीन फ्लैग देखेंगे। इस फ्लैग का इस्तेमाल हम प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ग्रीन फ्लैग के बाजू में एक रेड स्टॉप साइन है। इसका इस्तेमाल आप कोई भी प्रोग्राम या स्प्राइट की स्क्रिप्ट को स्टॉप करने के लिए करते हैं। स्टेज के सबसे ऊपर राइट साइड की ओर आप फुल स्क्रीन टॉगल बटन देखेंगे। अगर आप सिर्फ स्टेज को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप इस बटन को प्रेस करें। स्टेज के सबसे ऊपर आप बटन्स देखेंगे जिनसे आप स्टेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब आप स्टेज को मिनिमाइज करते हैं तो स्क्रिप्ट एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है, जिससे आप स्क्रिप्ट पर फोकस कर सकते हैं। जैसे ही आप रिस्टोर पर क्लिक करेंगे स्क्रीन अपने आप नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। अब हम देखेंगे स्टेज पेन, जो स्टेज विंडो के नीचे राइट में होता है। इस पेन के सबसे ऊपर यह बैकड्रॉप दिखाता है जो एक्टिव है। इस बैकड्रॉप का डिफॉल्ट होता है एक वाइट बैकग्राउंड। आप इस बैकड्रॉप को चेंज कर सकते हैं इस गोल बटन को क्लिक करके, जिसपे एक विंडो बनी हुई है। आप देखेंगे कि इसे क्लिक करने पर आपको चार ऑप्शंस मिलेंगी बैकड्रॉप चेंज करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप लाइब्रेरी से बैकड्रॉप चूज करें, अपने आप एक पेंट करें, स्क्रैच को चूज करने दें और आपको सरप्राइज दे, आप अपने बैकड्रॉप को अपलोड करें। इन्हें हम बाद में यूज करके देखेंगे। स्टेज पेन के लेफ्ट साइड पर स्प्राइट पेन होता है। उसके दो भाग होते हैं। सबसे ऊपर स्प्राइट का इन्फो होता है और नीचे स्प्राइट की लिस्ट होती है, जो आपको बताती है कि आपके प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्प्राइट्स हैं। जब आप प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो डिफॉल्ट में इसमें सिर्फ एक ऑरेंज स्प्राइट दिखता है। इस स्प्राइट को बदलने के लिए या एक और स्प्राइट डालने के लिए आप देखेंगे कि सबसे नीचे एक गोल आइकन है जिसमें एक बिल्ली बनी हुई है। इसे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं स्प्राइट के लिए, जैसे बैकड्रॉप के लिए थी। जब आप स्टेज पर किसी स्प्राइट को सिलेक्ट करते हैं
तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली स्प्राइट लिस्ट अपडेट हो जाती है। ये हमें सिलेक्टेड स्प्राइट की इन्फॉर्मेशन देती है और उन्हीं बॉक्स को यूज करके हम उनकी वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि स्प्राइट का नाम, उसका स्क्रीन पे पोजीशन जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में होता है, साइज, डायरेक्शन और एक शो बटन स्प्राइट को दिखाने और छुपाने के लिए। स्क्रीन के बीच के एरिया को हम स्क्रिप्ट एरिया कहते हैं, जहां हम हमारे कोड को असेंबल करते हैं। यह कोड बनता है ब्लॉक पैलेट से ब्लॉक्स को यहाँ खींच के। अब ये ब्लॉक पैलेट क्या है? स्क्रिप्ट एरिया के लेफ्ट में एक कोड टैब है जिसमें 100 से अधिक कमांड ब्लॉक्स या इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स हैं। हम इनको किसी भी सीक्वेंस में डालकर अपना कोड बना सकते हैं। यह अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप्ड होते हैं, जैसे कि मोशन, लुक्स, साउंड आदि। यह कलर कोडेड होते हैं जिससे इनको इस्तेमाल करने में आसानी होती है। कोड लिखने के लिए आप इन ब्लॉक्स को ब्लॉक पैलेट से खींचकर स्क्रिप्ट एरिया में ले आते हैं और इनको फिट करके एक ब्लॉक टावर के जैसे बनाते हैं। कोड टैब के बाजू में है कॉस्ट्यूम टैब। कॉस्ट्यूम एक ही स्प्राइट की अलग अलग इमेजेस होती हैं। इनकी मदद से हम स्प्राइट का इफेक्ट या एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक स्प्राइट के कई कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं और आप इसको स्क्रिप्ट के द्वारा बदल सकते हैं। कॉस्ट्यूम के बाजू में है साउंड टैब। इससे आप आपकी स्क्रिप्ट में साउंड और म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। इसे चूज करने के लिए आप एक नीचे गोल बटन देखेंगे। यहाँ भी वही सेम चार तरीके से आप साउंड चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्क्रैच के स्क्रीन को अच्छे से समझ लिया है। हमारे अगले वीडियो में हम स्क्रिप्ट लिखना या बनाना सीखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।